हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी अलर्ट हरियाणा। साथियों, आपको H-Tet जो कल लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था 3 से 5:30 बजे के बीच, JBT लेवल फर्स्ट, JBT वाले स्टूडेंटों का जो H-Tet का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी फुल आंसर की मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ विद सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन के साथ। आप भी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिरी तक देखें यदि आपने H-Tet का एग्ज़ाम दिया है या आप देने वाले हैं या किसी भी एग्ज़ाम में हरियाणा में अपेयर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें फुल एनालिसिस यानी फुल सॉल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ H-Tet एग्ज़ाम को। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर क्या क्या आता है, जो मैथ्स है वो आता है, रीजनिंग है वो आता है, और हरियाणा GK है वो आता है। फर्स्टली हम यही पार्ट सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम पार्ट वाइज पार्ट करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 19683 की करनी 3 = x * 3, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, खालिस्तान की वैल्यू निकालें। देखो, हमें यहाँ पर 19683 का क्या है, घनमूल निकालना है। 19683 का घनमूल आपको निकालना आता होगा। घनमूल के लिए दोस्तों, 3 संख्या का जोड़ा बनता है, 683 का 1 और 19 का 1। इस प्रकार से जोड़ा बनेगा, जिसके एंड में 3 है उसका 7, और 2 2 2 2 4 2 8, 3 का 27 ज़्यादा रहता है, इसका घनमूल आ गया 27 = x * 3। 3 इधर आके दोस्तों डिवाइड में होगा और 3 को 27 से काट देंगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 9। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर 4 है, इसका आंसर आ जाएगा 9। 19683 की करनी 3 = x * 3, तो 19683 का दोस्तों हमें घनमूल निकालना, इसका 27 आएगा और ये 3 गुना में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 27 में 3 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई यदि इस आयत का क्षेत्रफल 147 वर्ग मीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका आयत का क्षेत्रफल 127 है, तो इसका जो 21 और गुना 7, यानी 21 लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, 7 7 या 21, और 21 को 7 से गुना करेंगे क्या आएगा, 147, यानी जो लंबाई है वो 21 हो गई, चौड़ाई है वो 27 7 हो गई। अब हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई 21 और 7 हो गई, इसका परिमाप क्या, परिमाप का सूत्र होता है इन दोनों को जोड़ के और 2 से गुना, 21 7 28 दूनी 56, ऑप्शन नंबर ए जो है 56 मीटर वो इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका परिमाप क्या आ जाएगा, 56 मीटर। 21 जो 147 है उसका लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, लंबाई 21 आएगी और चौड़ाई 7। हमें निकालना है परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना L + B, तो दोनों को जोड़ के 2 से गुना 28 दूनी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है तथा अपना एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा जिस समूह में नहीं आता, इस समूह से अलग है, वो क्या है, वायलिन है। ये वायलिन है, ये अलग है, सितार गिटार और बांसुरी एक प्रकार से बजाए जाने वाले यंत्र हैं, क्योंकि सितार गिटार ये है एक तरह से बजाते हैं और बांसुरी अलग प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का वही संबंध कवच से है, वही संबंध पत्र का किससे होगा। नारियल किसके अंदर रहता है, कवच के अंदर, और पत्र किसके अंदर रहता है, लिफाफा के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, लिफाफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंक से अतुर्ण रहा, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 35 हो तो पूर्णांक ज्ञात करें, कुल परसेंट निकालना है, कुल परसेंट होता है 100 और बटे दिया हुआ है हमें 35 और गुना इसका मार्क्स कितना हो गया 210, कुल निकालना है 100 बटे 35 और गुना 210, 35 को काट देंगे 6 और 6 को इससे गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 600, ऑप्शन नंबर D 600, ऑप्शन नंबर 4 है 600। पूर्णांक ज्ञात करना, पूर्णांक मतलब 100 बटे निकालना है 35 पर हमें दिया हुआ है 210, काट देंगे क्या आ जाएगा 600, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 15 व्यक्तियों के समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी और 3 इनमें से कोई नहीं पढ़ता है, तो इन तीनों को पहले घटाएंगे, 8 7 15 में 3 गए 12, यानी 12 विषय हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को अवश्य पढ़ते हैं। आपको निकालना कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, इनमें घटा देंगे क्या आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 3 जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष की ओर इंगित करती एक महिला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, महिला उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। इसकी माता पुरुष को कह रही है, पुरुष की माता अपनी माता की एकमात्र पुत्री यानी खुद हो गई, तो खुद हो गई तो इसका मतलब उसका बेटा है, उसका बेटा कौन हो गया, वो उसकी क्या बन गई, माता। महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला उस पुत्र की क्या लगती है, माता लगती है, मम्मी लगती है, ऑप्शन नंबर A इसका सही है। नेक्स्ट है, यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, पश्चिम दिशा दक्षिण पूर्व हो जाए, इसी तरह सभी दिशाएं आपस में स्थान बदल लें, तो उत्तर दिशा कौन सी होगी, यहाँ पे है उत्तर, दक्षिण, पूर्व
और ये हो गए पश्चिम। अब कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, दोस्तों ये दिशा है, ये क्या हो रही है, पश्चिम हो रही, उत्तर पश्चिम दिशा, पश्चिम पूर्व दिशा, सॉरी पूर्व दिशा है वो उत्तर पश्चिम हो जाए, ये दिशा है यहाँ पर आ जाए, यानी 135 डिग्री पर जो है वो रिवर्स, सॉरी एंगल जो क्लॉक वाइज है वो 135 डिग्री हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज 135, तो हमें निकालना है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा यहाँ पर बनती है, एंटी क्लॉक वाइज ये आएगी, और इसका आंसर डी ऑप्शन है, जो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा से आप इसे देख लीजिए, उत्तर ऊपर हो गया, नीचे हो गया दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब कह रहा है कि पूर्व दिशा जो दोस्तों ये दिशा है ये यहाँ पर आ जाती है, यानी 135 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो हमें भी उत्तर दिशा ये है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आएगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए, तो भिन्न 5/12 होता है, मूल भिन्न निकालो, मूल भिन्न होती है, इसका आंसर आएगा 5/8। मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, एक्स बटे वाई जो भी भिन्न मानेंगे उसको एक्स बटे वाई गुना, यदि 200% जो भी वृद्धि होगी उसको 100 में जोड़ेगी, 300/450 और बराबर हो जाएगा 5/12। अब हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पर 150 के टेबल से काट देंगे, 2 और 3 ये उधर जाके पलटेगा, 5/12 और गुना 3/2, 3 के टेबल से काट देंगे 6, सॉरी 3 के टेबल से 4 और 4 × 8, ये ऑप्शन सही आ जाएगा, 5/8। यानी जो भी आपको भिन्न दी गई है उसको एक्स बटे वाई मानेंगे और वृद्धि को 100 में जोड़ देंगे, और यदि कमी है तो 100 में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 5/8, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को UBFC और इसको ये कहा जाए, तो इसी भाषा में शोर को क्या कहा जाएगा। इसमें दोस्तों आपको देखना है BEAT, पहला मैं आपको समझा देता हूँ, BEAT इसमें +1 करना है हमें, तो ये आएगा CFBU, और इसको रिवर्स लिख रखा है, उल्टा लिख रखा है यहाँ से UBFC। इसी प्रकार हम शोर को लिख सकते हैं FSPT, ई का एफ हो गया, आर का एस, ओ का पी और एस का टी, और इसको उल्टा लिख दिया, पहले एक प्लस करना है +1, और फिर इसको किस कैस प्रकार लिखना है उल्टा, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा FSPT। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, DGHJLOPS, तो दोस्तों ये श्रृंखला, इसमें हमें ओनली केवल कुछ नहीं करना, +4 ऐड हुआ हुआ है, D 4 पे, H 8 पे, L 12 पे, P दोस्तों 16 पे, और 4 जोड़ेंगे TW आ जाएगा 20, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 TW है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 690 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय करती है, उससे चाल ज्ञात करो, दूरी दी गई है, समय दिया गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और 23 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर सही आ जाएगा, 690/30, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काट देंगे 23 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्रम से 74 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 74 है, 74 बीच में लिखेंगे, पहला हो गया 72, फिर इधर 70, इधर निकालेंगे दोस्तों 76 और इधर 78, हमें निकालना है सी और डी, सी और ई का गुणनफल, इसको गुणा करेंगे 8 × 4 = 8, 8 × 32, ऑप्शन इसमें ओनली एक ही है, 32 का आंसर, 2 का आंसर 5772, 74 बीच में हो गया, सी का 74, इधर 76 और 78 बीच में 76 आएगा, सी ये हो गया और ई ये हो गया, इनको गुणा करेंगे, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 8 × 32, एंड में 2 देखना है, वो ऑप्शन नंबर 4 5772, 5772। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उसके पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है, औसत आयु 40 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, यहाँ पर औसत दी गई, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 40 × 80, हमें निकालनी है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु दोस्तों यहाँ पे 5 दी गई है, 5/16 और गुणा 80, 16×5 = 80, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 वर्ष जो है, इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, औसत निकालना है लड़के का, 5/16 और गुणा 80, 25 वर्ष, आंसर सही, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घड़ी की दोनों सिराएं एक दूसरे में कितनी बार अतिव्यापन होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी 22 बार, ऑप्शन नंबर ए, अतिव्यापन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, इसमें ये होती है 24 घंटे में 22 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स के प्रत्येक अक्षर को उसके वर्ण क्रम अनुसार जमाए जाए, तो कितने अक्षरों के वर्ण स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, इनको अक्षर जो पहले ए आता है, बी आता है, वो उस प्रकार लिखना है, तो पहले डी आएगा, फिर ई, फिर एफ, फिर आई, फिर एन, फिर आर, इस प्रकार से ओनली एक एन है वो अपनी जगह सेम रह रहा है, और इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि एन अक्षर है वो अपनी जगह रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंटीन में 7 दिनों के लिए 56 kg चावल की आवश्यकता होती है, अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में टोटल दिन होते हैं 61,
अप्रैल में दोस्तों 30 और मई में 31, 7 दिनों में 56 किलोग्राम, तो 1 दिन में 8 किलोग्राम, तो 61 दिन में गुना कर देंगे 488 किलोग्राम, आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा 488 किलोग्राम। इतनी ज़बरदस्त मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल माइंडेड चलाएंगे आप, नॉर्मल इसको देख लीजिए, आपको बिल्कुल सही समझ आ रहा है, सही समझ आ रहा होगा मुझे पूरा विश्वास है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर पेपर की एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती है, साथ ही पढ़ाई से संबंधित हर प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर को इशारा करते हुए विशाल ने कहा, यह है मेरे दादाजी कि इकलौते पुत्र की बहन, इकलौता पुत्र उसके पिताजी होगी, बहन मतलब उसकी बुआ, इस वही महिला किस प्रकार संबंधित है, वो महिला उसकी क्या लगती है, बुआ लगती है, बुआ जी लगती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दो, ऑप्शन नंबर दो बुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला उसके क्रम के आधार पर 20, 21, 25, 34, 50, इसमें प्लस एक हो रहा है, फिर प्लस चार हो रहा है, प्लस नौ हो रहा है, यानी फर्क हो रहा है, एक का वर्ग दो का, तीन का, चार का और पाँच का जुड़ेगा, इसमें आंसर आ जाएगा 50 में पाँच का वर्ग जुड़ेगा 75 आंसर आ जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, उसके बाद में हरियाणा जीके के लिए मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा, मैथ्स का अलग अलग पार्ट, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स, क्योंकि एक वीडियो दोस्तों बनाता हूं तो काफ़ी लंबी वीडियो जाती है, अलग अलग पार्ट्स में आपको इस एचटेट का पूरा एग्ज़ाम है, वो आपको अलग अलग पार्ट में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, लेवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों लेवलों का, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक जीएस का लास्ट है, एक व्यक्ति 8,000 रुपये 15% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है, उसका कितना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सिंपल से उत्तर 8,000 × 15 × 3 और बटे 102 जीरो कट जाएंगे, और इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों 3600 रुपये जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको जीएस के 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं, बिल्कुल समझा कर फुल एनालिसिस के साथ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, आपके एग्जाम भी अच्छा रहा होगा, आप आराम से इसको आसानी से मिला सकते हैं, और आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले स्टडी अलर्ट हरियाणा को, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हर प्रकार की वीडियो अपलोड कराता हूँ, और आपको संबंधित जो भी आपको ज़रूरत हो, आप मुझे कोई भी एग्ज़ाम है आपका, उसकी यदि आप आंसर की मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर 8939 3085 नंबर पर आप अपना एग्ज़ाम जो पेपर है वो भेज सकते हैं, मैं आपके आंसर की आपको इस चैनल के जरिए अवेलेबल करवा दूँगा। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले स्टडी अलर्ट हरियाणा को, मिलता हूँ चाहते हो अगली वीडियो के अगले इसी पार्ट में, जिसमें मैं आपको हरियाणा जीके और मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, उससे अगले पार्ट में पर्यावरण और हिंदी और इंग्लिश के फुल सॉल्यूशन, उसके बाद में एक पेडागोजी सब्जेक्ट पड़ता है उसका, इस प्रकार पूरी लेवल फर्स्ट के पार्ट को 4 डिवाइडों में बांटा है, 4 पार्टों में पूरा सॉल्यूशन आपके पास होगा, उसके बाद में लेवल सेकंड और लेवल थर्ड पर चलेंगे, पार्ट वाइज चलते हैं, क्योंकि पार्ट के हिसाब से वीडियो छोटी बनेगी वरना काफ़ी लंबी बन जाती है। धन्यवाद साथियों, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले पार्ट।